कहाँ थे? रात को। हाँ, 60वां अध्याय, ठीक है। इसके बाद 61 में जो तो हो गया ना, हो गया बस में नहीं गया बता ना, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान शंकर भी इस कथा को यही 60 चैप्टर तो बताया, चैप्टर 60 ये रुक्मणी और कृष्ण के वार्तालाप सुनने में आ रहा है क्या? इसके बाद जो है जो रुक्मी कौन था? तो रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कल बताया था कि वापस नहीं गया वो रुक्मिणी के गांव, कौन सा गांव था? कुंडनपुर वापस नहीं गए वो, उन्होंने एक नया नगर बसाया था है ना, भोजकट, और भोजकट में रहते थे। तो उनको उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न से किया है ना, और जो है अपनी पौत्री का विवाह उनके पौत्र से किया है ना, थोड़ा जो रिश्ते में जो खटास थी उसको सही करने के लिए। तो वहाँ पे शादी हुआ और उस शादी के बाद जो है रुक्मिणी के भाई ने बलराम जी को कहा कि आओ हम 64 खेलते हैं गेम है ना। तो वो गेम खेला तो पहली बार में तो कौन हार गया? बलराम जी हार गए। तो जब बलराम जी हार गए तो वहाँ पे कलिंग का राजा बैठा था, बहुत हंस रहा था दांत दिखा दिखा के है ना। तो फिर दोबारा जब गेम हुआ तो बलराम जी जीत गए। जब बलराम जी जीत गए तो रुक्मी कहने लगा नहीं नहीं तुम तो हारे हो, तुम तो हारे हो, और बेईमानी करने लगा। तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि नहीं नहीं तुम गलत हो, बलराम ही जीते हैं। तब आकाशवाणी होने के बावजूद भी जब वो नहीं माना कौन? रुक्मी, तो बलराम जी ने उसको अपने हल से मार डाला, और जो हंस रहा था दांत दिखा दिखा के उसके दांत तोड़ दिए सारे, 32 के 32 निकाल लिए। बलराम जी से पंगा नहीं लगेगा। अब कृष्ण ने यहां वर्णन आता है, अच्छा जब आपने आपको याद होगा जब रुक्मिणी की विवाह हुआ कृष्ण उसको मारने वाले थे भाई को, तो बलराम जी ने बहुत ज्ञान दिया था, अरे तुम्हारा साला है इसको कैसे तुमने ये किया वो किया ना अभी, ठीक है। तो कृष्ण ने ना तो ये कहा कि इसको आपने सही मारा और ना ये कहा कि इसको आपने गलत मारा। क्यों? क्योंकि अगर ये कहेंगे कि सही मारा तो कौन नाराज होगा? रुक्मिणी। ये कहेंगे गलत मारा तो कौन नाराज होगा? भाई। इसलिए कृष्ण बिल्कुल, कृष्ण को पता है कहाँ क्या करना है, बिल्कुल कुछ उनका कुछ हुआ ही नहीं, किसी की साइड नहीं थी ऐसे करने का, ठीक है, क्योंकि यही तो फंसता है आदमी ग्रस्त जीवन में, इधर को इधर बोल उधर नहीं। तो कृष्ण ने किसी की साइड नहीं लिया, ठीक है। इस तरीके से जो है बलराम ने रुक्मिणी को मार दिया। इसके बाद बलराम जी जाते हैं वृंदावन है ना, ब्रजवासियों को सांत्वना देने, वहाँ पे 2 महीने रुकते हैं, सबसे मिलते हैं, सब गोपियाँ भी उनसे मिलती हैं, नंद बाबा शुरू सब लोग मिलते हैं, गोपियाँ पूछती हैं कृष्ण कैसे हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं है ना। और इस तरीके से बलराम जी वहाँ रुके, और वहाँ पे बलराम जी ने जो उनकी जो गोपियाँ थी, कृष्ण की गोपियाँ अलग थी, बलराम जी की गोपियाँ अलग थी, कृष्ण का इतना फेमस हो गया कि बलराम जी का लोग जानते नहीं, तो बलराम जी की गोपियां अलग थी। तो बलराम जी ने वहां पे अपनी गोपियों के साथ 2 महीने महाराज किया। तो एक दिन बलराम जी अपनी वारुणी मदिरा पी के और अपनी गोपियों के साथ थे, तो यमुना के किनारे नहीं थे, यमुना से थोड़ा दूर थे, तो
यमुना को वहीं से कहते हैं तुम इधर आओ, हम लोग उस तुम्हारे जल में नहाएंगे और क्रीड़ा करेंगे। तो यमुना ने कहा यहाँ होने क्या, तो यमुना ने बात नहीं सुनी बलराम जी की। तो बलराम जी ने कहा अरे मेरी बात नहीं सुनी है, तुरंत हल उठाया और कहते मैं अभी तुम्हारी सारी धाराओं को काट दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, यमुना को पूरा छिन्न भिन्न कर दूंगा, और हल उठाकर करने भी लगे। तब यमुना जी बिल्कुल डर गई, घबरा के बिल्कुल बलराम जी के चरणों में आई और क्षमा याचना किया कि हमें आप माफ कर दीजिए भगवान, हम समझे नहीं आपको। तो इस तरीके से आज भी देखेंगे तो मथुरा में यमुना की धारा ऐसी थोड़ी टेढ़ी से एड़ी सी है ना, बलराम जी के हल से। बलराम जी के हल में बहुत ताकत है बच के रहने का। बलराम जी अपने हल से दुष्टों का नाश भी करते हैं और हमारे हृदय में भक्ति का उदय भी करते हैं। बंदा छोटा भी है, बंदा नहीं बंदी इसके बाद जो है एक और कथा आती है कि एक राक्षस था बाणासुर, नाम सुना आपने है? हाँ सफल है। तो बाणासुर, बाणासुर पे शंकर जी का आशीर्वाद था है ना। तो बाणासुर, तो बाणासुर की एक बेटी थी, उसका नाम था उषा। तो ये सो रही थी तो उषा, बेटी उषा नहीं ना, तो उषा जब सोती थी कुछ दिनों में उसको क्या हुआ कि वो जब सोती थी तो उसको एक राजकुमार आता था सपने में, और रोज वही राजकुमार सपने में आता था, रोज वो उसके साथ सपने में विहार करती थी। एक दिन नहीं आया तो वो बिल्कुल भयभीत होके जग गई। अचानक जब वो अचानक जग गई तो उषा की दासी सहेली जैसी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। तो उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों डर गई हो, तुम्हारे भयभीत होने का क्या कारण है, आप हमें बताओ, हम आपका किस तरह से संकट का निवारण कर सकते हैं। तो उषा ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे है और मैं उस राजकुमार के बिना नहीं रह सकती। तो चित्रलेखा के पास एक स्पेशल टेक्निक थी, स्किल। वो क्या करती थी कि जैसा आप बताओगे वैसा स्केच बनाती थी, चित्र बना देगी है ना। तो उसने कहा कि देखो आप मुझे बताओ राजकुमार का वर्णन और मैं उसका चित्र बना दूंगी है ना, और फिर हम लोग ढूंढेंगे कि वो है कौन है ना। तो इस तरीके से उषा ने वर्णन बताया और फिर उन्होंने जो फोटो बनाई तो चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से उषा को ये बताया कि ये जो है ये कृष्ण का पौत्र है अनिरुद्ध। तो वो लोग उसको, अनिरुद्ध को रातों रात अपनी शक्ति से उठवा लिए वहां से, कहां से, द्वारका से है ना। वो अनिरुद्ध को द्वारका से उठा के किसी को पता नहीं चला और अपना जो राजा जो बाणासुर का महल था उस महल के जो सेंटर में बिल्कुल उषा का जो चैम्बर था अंतापुर उसमें जाके उसको रख लिया और किसी को पता नहीं चलता था और ये आराम से दोनों रहते थे। तो उस समय ऐसा लोगों किस तरह की टेक्निक थी कि वो पता कर लेते थे, देख के हाव भाव से समझ जाते थे कि कौन क्या कर रहा है। तो जो वहां पे और दासियां थी वो समझ गई कि ये जो उषा है ये पुरुष का संग कर रही है, कैसे नहीं पता क्योंकि तो कोई बाहर जाती नहीं, बाहर से अंदर कोई आता नहीं, इतना सीक्रेट चैम्बर है, इतनी दासियां लगी हुई, अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा, पर इसके हाव भाव से लक्षण से वो लोग पता कर लेते थे। तो आज भी अगर किसी रूरल एरिया में जाओगे तो वो दादी वहां पता कर लेती है ना सब। तो जो है उन दासियों ने सोचा कि अगर ये बात
बाणासुर को किसी और से पता चली तो वो तो हमें खत्म करेगा कि तुम्हारे रहते हुए कैसे हुआ। तो उसने कहा हम ही जाके बता दे। तो जाके बताए कि बाणासुर को देखो राजन हमारी कोई गलती नहीं, हम बिल्कुल चौकस पहरा दे रहे हैं और कोई नहीं अंदर गया, कोई नहीं बाहर आया, हमें पर फिर भी हमें पता नहीं है, पर हमें ऐसे लगता है कि आपकी पुत्री के लक्षण को देख के कि वो दूषित हो चुकी है। तो बाणासुर तो बहुत गुस्सा हो गया। अरे बाणासुर गुस्सा हुआ तो बुलवाया, बाद में पता चला, चेक किया तो वहां तो अनिरुद्ध बैठे हुए थे। तो इसके बाद बड़ा युद्ध वगैरह हुआ, पूरी सेना आई द्वारका से और सब लड़े उसमें, है ना। शंकर जी भी आए, कार्तिकेय भी आए, है ना। तो कार्तिकेय तो लड़ते लड़ते इतना दिक्कत हुआ कि वो भाग गए छोड़ के। तो बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में बाद में फिर बाणासुर को मारा गया और बाद में फिर अनिरुद्ध की शादी उषा से हुई। इसके बाद जो है एक और कथा आती है 64वें अध्याय में कि एक बार सब द्वारकावासी बच्चे सब खेल रहे होंगे और वहाँ पर एक सूखा कुआं था और उस कुएं में एक बड़ा छिपकली गिरगिट जैसा बड़ा सा पड़ा हुआ था। तो इनने इनको समझ नहीं आया क्या है इतना बड़ा है? तो इन्होंने उसको निकालने की कोशिश की, निकले ना तो कृष्ण को जाके बताया। तो जब कृष्ण को बताया, कृष्ण आए और कृष्ण आए देखा तो उसको कैसे भी करके निकलवाया कुएं से। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ वो तो एक राजा बन गया। उसको पूछा आप कौन है, तो बताया मैं हूं किंग निर्ग, है ना। तो बताया आप गिरगिट कैसे बन गए, छिपकली कैसे बन गए। तो बोला कि मैं पहले बहुत बड़ा दानी था, मैंने एक बार बहुत सारी गाय एक ब्राह्मण को दान दी थी और दूसरे ब्राह्मण को भी गाय दान, वाले को जो गाय दान दी थी उसमें से एक गाय निकल के और इस वाले झुंडे में मिल गई। राजा को पता नहीं, वो उधर से निकल के इसमें मिल गई और ये पूरा झुंड उसने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब ये ब्राह्मण और ये ब्राह्मण लड़ने लगे कि ये तो मेरी गाय है। तो राजा कहता कोई बात नहीं है, आप जो है इस गाय के बदले में हम आपको और 1000 गाय देते हैं, लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन वो दोनों माने नहीं और वो चले गए और उस पाप की वजह से, है ना, इस मतलब ये पाप क्या कह सकते हैं इसको, आपकी ब्राह्मण को दान दिया तो ब्राह्मण की संपत्ति हो गई, तो ब्राह्मण की संपत्ति का चोरी का पाप लगा और इस वजह से वो राजा निर्ग क्या बने। इसके बाद एक एक राजा था उसका नाम था पौंड्र, ये तो सुना होगा पौंड्र। तो पौंड्र जो था उसने ये घोषणा कर दी कि मैं ही वासुदेव हूं और उसने एक लेटर भेजा किसको, कृष्ण को। उसने एक लेटर भेजा कि ए तुम ये जो झूठा वासुदेव बने बैठे हो ना द्वारका में, मेरे को पहचानो, मैं कौन हूं, असली वासुदेव हूं। और ये जो तुमने नकली चक्र शंख गदा कमल ये सब धारण किया हुआ है, ड्रामा जो मचाया हुआ है ना, सब निकालो। कौन कह रहा है, किससे, असली वाले वासुदेव से। आजकल बहुत ऐसे हो रहे हैं, बोले ये अवतार हैं, बोले कल की अवतार है, बोले ये अवतार हैं, है ना। बहुत अवतार है इधर, है कि नहीं, साउथ इंडिया में बहुत अवतार थे जब मैं उधर था, है ना। एक अवतार था वो बूढ़ा भी हो गया, भगवान तो कोई बूढ़े होते नहीं, बूढ़ा हो गया, उसके बाल भी सफेद हो गए, रोडाई कराता था जेल में। तो जेल में तो कृष्ण भी आए थे, भगवान बनने के बाद जेल गए, कभी कभी मिल जाएंगे दो तीन महीने, कभी मिल जाएंगे जेल में। तो जो पौंड्रक जैसे ही भगवान वासुदेव ने ये नकली वासुदेव
का ये मैसेज सुना, इमीडिएटली उसको मारने के लिए चल गए। तो उस लड़ाई में भगवान ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, उसको भी मारा, उसका सपोर्ट करने वाले काशी के राजा को भी मारा और पूरी काशी नगरी भी जला दी। और इस पूरी लड़ाई में भगवान शंकर भी नीचे आए एंड उनको भी थोड़ा कष्ट हुआ, है ना। तो ये बहुत बुरा है इस तरीके से कि ये अपने आप को डिक्लेयर करे कि मैं वासुदेव हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं अवतार हूँ, और जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है पाप, भगवान के प्रति अपराध। लेकिन जो मानने वाले हैं उनको बड़ा सतर्क होना चाहिए, उनको सावधान होना चाहिए कि हम ऐसे किसी को अवतार न मान लें। शास्त्रों में सब जानकारी दी गई है, आप उस जानकारी को पढ़िए और उसके हिसाब से आप अवतार मानिए, उसी के हिसाब से आप प्रमाणिक गुरु मानिए। ऐसे नहीं किसी को भी गुरु मान लिया, किसी से भी दीक्षा ले लिया, किसी से भी मंत्र ले लिया, किसी को भी भगवान मान लिया, ऐसे नहीं। इससे क्या होगा, इससे उसका तो वो तो नुकसान में है ही, हम भी नुकसान में बनेंगे, है ना। ऐसा वर्णन आता है कि जो फर्जी गुरु होता है वो सर्प बनता है, और जब वो मरता है सर्प बन के, तो जो उसके फर्जी गुरु के फर्जी जो शिष्य होते हैं वो उसी सर्प के मरे हुए शरीर को चींटी बन के खाते हैं। तो ये जो है बहुत समझने वाली बात है कि फर्जी भगवान, फर्जी गुरु, फर्जी मंत्र, इन सबसे बचने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरे तो जाल बिछाएंगे हमें फंसाने के लिए, लेकिन हमने बचना है ना। हम ही नहीं कह सकते जी उन्होंने ऐसे किया हम तो समझे नहीं। अब क्यों नहीं समझे, है ना, हमें समझना है। शास्त्र नहीं दिया क्या भगवान ने दिया है, गीता दिया है। गीता में कितने अध्याय में भगवान ने कहा हम 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 मैं ये हूं, क्लियर है ना। अभी क्या क्लियर है, और आप चेक भी कर सकते हैं ना। जो भगवान बोले उसके ऊपर एक पहाड़ रखो और थोड़ा घुमाओ, है नहीं तो उसको थोड़ा आग पिलाओ, है नहीं तो एक आध 10-12 सांपों के साथ उसको घुमाओ तो पता चलेगा भगवान है कि नहीं, नहीं तो पहाड़ उठाओ उंगली से, हाथ से उठा दे भाई, उठा दो। तो इस तरीके से बहुत जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये सब चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ फर्जी हम किसी उस चक्कर में ना फंसे, है ना। तो इसके बाद जो है एक बार भगवान बलराम जी रेवतक पर्वत पर जो है अपनी गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, है ना। तो उस रेवतक पर्वत पर एक गुरिल्ला रहता था। कौन? गुरिल्ला। उसका नाम था दुविधा। क्या नाम था? दुविधा गुरिल्ला। बड़ा खतरनाक था वो, है ना, बहुत पावरफुल, बहुत खतरनाक। तो वो सबको परेशान करता रहता था। तो उस दुविधा गोरिल्ला ने जब ये देखा, Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, 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 Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, 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 H
गोरिल्ला था, इसने जब देखा कि बलराम जी गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, कहाँ पे? रेवतक पर्वत पर। तो ये वहां आ गया, बड़ा विचित्र गोरिल्ला था। तो ये ना बलराम जी को कुछ नहीं, गोपियों को चढ़ा रहा था। कभी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, कभी अपना बैक उनको दिखाए, कभी वहां यूरिन पास करे, चढ़ा रहा था। अजीब अजीब सी हरकत, गोरिल्ले को जान देते कैसे करता है। तो अजीब अजीब हरकतें करके गोपियों को चिढ़ा रहा था। तो बलराम जी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बलराम जी ने पकड़ के जो है उसको अच्छे से धुनाई करना चाहा। तो ये भी खतरनाक था। तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई उस पे, उस पहाड़ के ऊपर, कि ये लोग शुरुआत पता किससे किए? एक पेड़ उखाड़ता था गोरिल्ला, और एक बलराम जी उससे लड़ते थे, पेड़ों से उखाड़ के एक दूसरे को मारे, लड़े। और पेड़ जब दोनों टकराए तो धुम करके सारा पेड़ पूरा चूर चूर हो जाए, इतना खतरनाक मारते थे। ऐसे करके सारे पेड़ खत्म हो गए इस पहाड़ के। फिर एक दूसरे से जुट के लड़े, कभी ये ऊपर कभी वो नीचे, धनाधन इतनी खतरनाक लड़ाई दुविधा गोरिल्ला की और बलराम जी की। और बाद में बलराम जी ने कहा भी लीला बहुत हो गया, और गोरिल्ले को उन्होंने मुक्ति प्रदान की। इसके बाद गोरिल्ला को मारने के बाद द्वारका में एक बार एक कथा आती है कि नारद जी आए द्वारका में। तो जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है एक महल में गए। तो वहां पे देखा तो रुक्मिणी के जैसे के साथ कृष्ण है, और रुक्मिणी जी से बातचीत किया तो वो बताएं कि हमारी डेली की दिनचर्या ये है, कृष्ण सुबह उठते हैं, ये करते हैं करते हैं करते हैं, फिर महल में जाते हैं सभा में, फिर आते हैं मेरे साथ ऐसे बात करते हैं, बैठते सब बताया। तो नारद जी ने कहा पूरा दिन तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ ही रहते हैं, तो बाकी रानियां कितनी रानियां बची हैं अभी? और रुक्मिणी बोली रोज यही है, रोज मैं उनके चरण धुलती हूँ, रोज उनकी सेवा करती हूँ रोज। तो ये कैसा? दूसरे से पूछे तो दूसरे महल में गए। अच्छा, भगवान ने पूरी 16108 रानियों के लिए बिल्कुल एज इट इज सारे के सारे एक जैसे बड़े महल बनवा रखे थे। हर महल में सारी सुविधाएं थी, स्विमिंग पूल था, पार्क था, गार्डन था, एसी था, कूलर था, सब था। द्वारका में ठंड नहीं पड़ती ऐसी, तो शायद हीटिंग नहीं हो रहा होगा, सब कुछ था। तो दूसरे महल में गए सत्यभामा के महल में। तो सत्यभामा कहती है कि रोज कृष्ण हमारे साथ ही रहते हैं, और सुबह उठते हैं, मैं उनको चाय देती हूँ, बिस्किट देती हूँ, ये सब पूरे दिन चलते हैं, उन्होंने भी बताई। तो नारद जी कहते हैं ऐसा कैसे? तो फिर तीसरे में गए तो जामवती कहती है रोज सुबह जब कृष्ण उठते हैं तो जामवती किसकी बेटी थी? रामान की। तो काम भी वैसे होते थे, कभी वो कृष्ण को बाहर फेंकती थी खिड़की से, कभी कृष्ण को बाहर फेंकते थे, पूरा वैसे उनका। तो वो कहते उनका भी वही है। तो इस तरीके से सभी महलों में गए तो सबने बताया कि कृष्ण हमारे साथ रोज रहते हैं। तो हर रानी के साथ कृष्ण ही रहते थे, सबको लगता था सर हमारे साथ ही रहते हैं। तो नारद जी ने कहा तो कुछ तो भी चक्कर है, देखना पड़ेगा। तो नारद जी रुके, देखा। तो सुबह जब हुई तो भगवान कृष्ण बिल्कुल एक जैसी ड्रेस है ना, कहीं को आपको रजनीकांत की मूवी ना याद आ जाए ना, तो एक जैसी ड्रेस पहन के कृष्ण हर महल से एक साथ निकलते थे, और सारे महलों के रास्ते एक जगह मिलते थे, वहां के सारे 16108 कृष्ण एक बन जाते थे, और फिर एक कृष्ण राजसभा में जाते थे। कृष्ण चंद्र भगवान की हमारे महाराज जी कहते हैं कि जिसने भी 16108 रानियां रखने का शौक हो उसको ये वाली स्किल आनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने किसी को उदास नहीं किया, कोई वहां पे लफड़ा पंगा नहीं था, सबके साथ बराबर रहते थे। और फिर जब शाम को राज्यसभा से वापस आते थे तो फिर सब एक 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 है ना, सोचो पड़े।
तो इस तरीके से भगवान ने द्वारका में रह के पूरा जो गृहस्थ जीवन का जो एक आदर्श व्यवहार होता है वो सब किया। डेली सुबह उठ के उपासना करते थे, आचमन, तीन टाइम संध्या वंदना सब पूरा करते थे नागरिकों को शिक्षा देने के लिए कि मैं भी अगर भगवान भी हूं पर फिर भी जो है जो हमारे नियम है वो हम पालन करना चाहिए। इस तरीके से जो है नारद जी ने वहां पे द्वारका में कृष्ण के सभी महलों को देखा और इसके बाद भगवान ने जरासंध को भी मरवाया भीम के द्वारा। वहीं पे जरासंध के महल में रहते थे और वहां पे जो है उनको भीम को आइडिया देके उसको ही मारा। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को भी मारा और फिर भगवान का एक बेटा था सांबा। सांबा ने जो दुर्योधन था उसकी बेटी लक्ष्मणा को किडनैप कर लिया, ठीक है। तो उसके चक्कर में इन लोगों ने सांबा को पकड़ लिया था। किसने? दुर्योधन ने, कौरवों ने। तो जब बलराम जी गए वहां, बलराम जी बोले लड़ाई वाली बात नहीं है, मैं जाके बातचीत करके मैटर सॉल्व करके सांबा को और उसकी पत्नी को हम लेके आएंगे। तो वहां गए तो बलराम जी ने सभा में कौरवों की उनसे कहा कि देखिए हमारे बेटे को दे दीजिए और उसकी बहू को भी दे दीजिए, है ना। तो सारे कौरव तो बिल्कुल गुस्सा में आ गए, अरे कहते कि ये वृष्णी है हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, आज हमसे रिश्तेदारी की बात कर रहा है, हमारे बराबरी में बैठने की बात कर रहा है, तुमने सोचा है तुम कौन हो है? हम कुरुओं से तुम्हारा संबंध कैसे बन सकता है, तुम ग्वाले हो हम क्षत्रिय है। ऐसे करके वो झड़काया बलराम जी को। बलराम जी कहते अभी बताता हूँ कौन ग्वाला है कौन क्षत्रिय है। तो बलराम जी को इतना क्रोध आया, बलराम जी ने उठाया क्या हल, और बलराम जी कहते अभी तू रुक, अभी के अभी पूरा हस्तिनापुर को अजय गंगा में डुबाता हूं मैं। और बलराम जी ने यू फसाया हल और खींचा हस्तिनापुर को, जो सब धरती उड़ती हिलने लगी तब सब आए माफ कर दो माफ कर दो, तो भूल ही गए थे क्या बलराम। तो नाम याद रखना क्या बलराम है नहीं। तो जो है इस तरीके से वो लोग बेचारे डर गए और बाद में बलराम जी से बहुत क्षमा याचना मांगी, फिर बलराम जी ने उन्हें क्षमा किया और बाद में जो है सांबा का विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और वो बहू को लेके द्वारका आए, ठीक है। इस तरीके इसके बाद भगवान ने ये तो मुझे याद नहीं, चेक करना पड़ेगा, बाद में बताऊं। भगवान की हर पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां थी। विघ्न कितने हुए, कितने खिलौने का खर्चा होता होगा। इसके बाद आगे जो है दंतवक्र और उसका दंतवक्र का वध हुआ। आगे जो है कथा आती है कि भगवान जब कंस को जब मार दिए थे तो उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता देवकी वसुदेव को छुड़ाया, तो वसुदेव देवकी कहते हैं कि नंद बाबा ने तो खाली इनको गायें चराना सिखाया, दूध निकालना सिखाया, शिक्षा तो दी नहीं। तो उन्होंने जो है उनको अवंतिका उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा था, वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उनका बेटा वापस ला के दिया था। तो वहाँ जब वो शिक्षा लेते थे तो उनका एक मित्र था सुदामा। तो सुदामा जो ब्राह्मण थे वो बेचारे आज की डेट में, मैंने कि अभी जो ये चल रहा है जब भगवान द्वारका के राजा बन चुके हैं, तो बहुत गरीब थे, है ना। तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि आपके तो पति आपके दोस्त हैं, इतने बड़े राजा हैं, आप जाओ उनसे मदद ले लो। तो सुदामा नहीं जाना चाहते थे, है ना।
कि क्यों मांगे कृष्ण से, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना है। लेकिन बार बार उनकी पत्नी ने कहा तो सुदामा गए, तो अब जाते समय कुछ लेके जाना है तो वो भी नहीं था घर में कि क्या लेके जाए, कुछ तो गिफ्ट में देना है तो अगल बगल से मांग के कुछ तो भी, है ना, एक कथा आपने सुना ही होगा, है ना, चावल पोहा, कोई चिप्ड राइस, तो उस पोहा को या जो भी है चावल को लेके वो गए। और वहां पे जब भगवान ने सुदामा को मिले तो भगवान बहुत रोए, है ना, और भगवान ने ऐसे ही हमारे स्कूल में एक चैप्टर था उसमें आता है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, है ना, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख के करुणा निधि को करुणा आ गई और करुणा निधि स्वयं करुणा करके रोए और इतना रोए कि जो परात में जो पानी लाया गया था सुदामा के चरण धुलने के लिए उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने नैनों के अश्रुओं से ही सुदामा के चरण धुल दिए। तो जो कुमारों के और द्वारपालों के प्रसंग में आपने सुना है कि भगवान ने कहा है कि मैं अपने ब्राह्मण भक्तों का कितना सम्मान करता हूं, अगर मेरे भक्तों को ब्राह्मणों का कोई अपराध कर दे, अगर मेरी भुजा ही अपराध कर दे तो मैं उसको काटने में हिचकिचाऊंगा नहीं, तो खाली बोला नहीं, यहां करके दिखाया, खुद भगवान ने अपने सिंहासन पे बिठाया और खुद स्वयं सुदामा के चरण धोए। इसके बाद सुदामा को बिठाया, सबको खिलाया पिलाया, बाद में पूछा भी हालचाल सब कैसे है, अपने बचपन की स्कूल के दिनों की बातें करी, कैसे कैसे हम लोग जंगल में जाते थे, लकड़ियां चुराते थे, हैं, सब सब उन्होंने जो है अपना पुराने दिन याद किए। और इसके बाद सुदामा का इच्छा ही नहीं हो रहा था कि मांगे, तो भगवान तो जान गए, तो भगवान ने कहा कि आप आए हो कुछ तो लाए होंगे मेरे लिए, तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं लाया। तो सुदामा के तो मैं कुछ नहीं लाया, बोले आप नहीं लाए होंगे तो भाभी ने कुछ दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुदामा जो छिपा रहे थे भगवान जानते थे कि ये क्या छिपा रहे हैं, और भगवान ने जबरदस्ती जो है चावल खींच के और एक बार भर के खाया, दो बार भर के खाया, तीसरी बार भर के खाया, तो रुक्मणी ने रोक दिया, बाकियों को नहीं समझ रहा था, रुक्मणी को समझ रहा था ना कि तो सब कुछ दे दे रहे, रुक्मणी ने हमारे लिए भी कुछ रखो, तो सुदामा को भी नहीं समझा। और सुदामा वहाँ से विदा होके आ गए और मन में बड़े प्रसन्न थे कि भगवान इतने बड़े राजा होके भी मेरा दोस्त मुझे भूला नहीं, बस यही उन्हें प्रसन्नता थी कि वो मुझे इतना सम्मान दिए, आदर दिया और कितना प्रेम किया, और इसी से प्रसन्न होके वो आ रहे थे। और जब अपने जहाँ उनकी झोपड़ी हुआ करती थी जब वहाँ पहुँचे तो देखे उनकी झोपड़ी ही नहीं है, एक झोपड़ी थी वही कोई ले गया, होता नहीं कभी अच्छी घरों में झोपड़ी उपड़ी हटा के एक बिल्डिंग बना देते हैं, तो वैसे ही वो झोपड़ी उपड़ी हट के वहाँ पे बड़ा सा महल बना हुआ था। सुदामा चिंता में पड़ गए, यार ये क्या, तो देखा थोड़ी देर में तो महल के दरवाजे से उनकी पत्नी आई, बढ़िया श्रृंगार विंगार गहने महंगे नेकलेस वकलेस साफ पूरा सज धज के, तो कहते ये क्या हुआ, तो बोले कृष्ण ने दिया है, तो सब उनको तब समझ में आया कि ये कृष्ण की कृपा इस तरह से हुई है। ऐसी कृपा एक बार किस पे की थी पहले, वो फल बेचने वाले पे, उसको भी समझ में आया, है ना। तो जो कृष्ण पर इस तरह से, जो सुदामा पर
कृपा की भगवान ने, तो ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सुदामा का जो ये सब कुछ मिलने के बाद जो सुदामा की चेतना है वो शिक्षा प्रद है। वहां पे पॉइंट है समझने के लिए। क्या सुदामा कहते हैं कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण का कि उन्होंने ये सब धन संपदा सुख सुविधा महल सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मुझे दे दिया, लेकिन इसमें से एक भी चीज मुझे अपने इंद्रिय भोग में नहीं लगा, कुछ भी, क्योंकि दिया किसने? कृष्ण ने। तो ये सब का सब कृष्ण की सेवा में लगेगा। ये है सुदामा की चेतना इतना सब कुछ मिलने के बाद, क्योंकि सुदामा की चेतना ऐसी थी, वो इस स्तर के भक्त थे, इसलिए उनको इस स्तर तक का वैभव कृष्ण ने दिया। और जिसे कृष्ण को पता है कि इसको ज्यादा वैभव दूंगा तो ये माला करना बंद कर देगा, उसको नहीं देते। और जिसको पता है कि इसको देंगे तभी माला करेगा तो उसको देते हैं। तो सुदामा कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमेशा भगवान में ही मन लगता था, पर अब इतनी धन संपदा आने के बाद खतरा चालू हुआ है ना, खतरा अब चालू हुआ है। जब भगवान रुक्मणी से बातचीत कर रहे थे तो भगवान वहां ये भी बोलते हैं कि तुमने मेरे को क्यों सिलेक्ट कर लिया, मेरे को तो कोई ढंग का आदमी भी पूजा नहीं करता, सारे भिखारी मेरे भक्त हैं, है कि नहीं, तो ऐसे को क्यों किया। सुदामा कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब कृष्ण की भक्ति में बहुत मन लगता था, पर अब खतरा हो गया है, महल बड़ा हो गया है, सफाई करने में ज्यादा समय जाएगा, समय कहां से आएगा। ज्यादा सुख सुविधा हो जाती है, जैसे किसी का जॉब छोटा था तो उसने माला किया उसको प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिलेगा तो सैलरी बढ़ेगी, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो ऑफिस में काम बढ़ेगा, तो माला घटेगी, सही कि नहीं। तो सुदामा कहते हैं कि यही नहीं होने देना है। जिस तरीके से सब कुछ बढ़ रहा है तो भक्ति भी, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम किस चेतना में जी रहे हैं, सुदामा से हम क्या सीख रहे हैं। सुदामा से जनरली हम यही सीखते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो और अपना 2 स्टोरी को 20 स्टोरी में बदलो, 2 माले की बिल्डिंग को 20 माले में बताओ, है कि नहीं, 1 तोले की चेन को 10 तोले में बदलो, यही कृष्ण है इसीलिए बैंक बैलेंस बढ़ाओ। नहीं, सुदामा कह रहे भक्ति अब और ज्यादा करना है, जो कुछ कृष्ण ने दिया है किसकी सेवा में लगना है। इसके बाद आगे वर्णन आता है कि भगवान ने जो है वसुदेव और देवकी को प्रसन्न करने के लिए देवकी के खो हुए पुत्रों को भी वापस दिलाया 6 के 6। और बाद में जो है 86वें अध्याय में वर्णन आता है कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ। बलराम भी चाहते थे कि दुर्योधन से हो जाए, पर कृष्ण ने कहा कि किडनैप कर लो, और उसके बाद बलराम जी ने भी सहमति दी, अर्जुन के विवाह सुभद्रा से हुआ, सुभद्रा को उन्हें अपहरण किया कृष्ण की संस्तुति से, आकर कृष्ण और बलराम दोनों ने जो है अर्जुन और सुभद्रा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद जो वेद है, वेद स्वयं द्वारका में आके मूर्तिमान स्वरूप लेके भगवान कृष्ण की स्तुति की है, स्वयं वेद। और फिर एक ब्राह्मण था जिसके पुत्र बार बार मर जाता था, तो उसने जो है अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं लेके आऊंगा नहीं तो मैं आग में बैठ जाऊंगा, वो नहीं लेके आ पाए, तो फिर भगवान ने अर्जुन की मदद करी, अर्जुन को लेके भगवान उसके पुत्रों की खोज में गए। तो यहाँ ये कथा बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें फिर से उन्हीं जो वर्णन है ना, क्योंकि भगवान पहले जो है सारे लोकों में गए और बाद में
विष्णु को भी मिले, है ना। तो वो विष्णु ने उठ के, जो कि लेटे रहते हैं अनंत शेष पे, उठ के कृष्ण को प्रणाम किया। तो जो हमारा भ्रम रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, वो ऐसे कई लीलाएं भागवतम में आती जहां हमें क्लियर होता है कि नहीं, कृष्ण से विष्णु आए, है ना। यहाँ भी ऐसे ही है। तो यही जो है, इस तरीके से भगवान कृष्ण का लीलाएं दसवें स्कंद में चलती हैं। इसके बाद जो है आगे एक बार जो सारे बच्चे थे द्वारका के, सांबा और ये सब, तो इन्होंने क्या किया कि प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, तो उन ऋषियों को ऐसे चिढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक खेल खेला। क्या खेल खेला? ये सांबा को इन्होंने जो है एक गर्भवती स्त्री के रूप में बना दिया, सजा दिया, है ना, कुछ तो भी करके। और वो ऋषि जी के पास लेके गए, कहते हैं कि आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं, ऋषि हैं, आप बताइए कि इसको क्या होगा, है ना, इसको बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। तो वो जो ऋषि थे वो बिल्कुल गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इसको मूसल होगा और वही मूसल तुम्हारे वंश का नाश करेगा। वो गुस्सा हो गए, मजाक करते, वो सब जान गए कि लोग ड्रामा कर रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हमें ये पता रहता है कि हम बड़े खानदान के हैं, बड़े वंश के हैं, हमारे तो मिनिस्टर से कनेक्शन है, ये तो ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके से भगवान ने अपना जो यदुवंश था उसको खत्म भी इसीलिए किया। यदुवंश को खत्म करने के एक कारण तो ये था कि आगे चल के यदुवंश के लोग इस चीज का दुरुपयोग ना करें, और दूसरा ये था कि यदुवंश में बहुत सारे देवी देवता, आपको याद होगा जब भूमि देवी ने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो कृष्ण ने क्या कहा था कि आप लोग जाओ लीला में। अब क्या है, लीलाएं हो गई हैं, है ना, तो अभी इनको वापस भी भेजना है। ये लोग अपनी अपना, सारे देवी देवता अपने अपना जो काम करते हैं सेवा उसको छोड़ के आए थे, तो इनको वापस भी भेजना है। तो एक कारण ये भी था, है ना, कि ये लोग अपना वापस जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी सेवा कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें दो तरह के लोग थे, एक तो थे देवी देवता जो भगवान के परिकर बन के आए थे, और एक थे भगवान के नित्य परिकर, है ना। तो नित्य परिकर को तो भगवान के धाम जाना है, पर जो देवी देवता है उनको सेवा करनी। तो होता क्या है, जैसे अर्जुन है तो भगवान के नित्य परिकर है, लेकिन अब अर्जुन के साथ जो इंद्र है उनका अंश भी आया कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए, है ना, अर्जुन के साथ। तो अर्जुन जो है वो तो नित्य धाम जाएंगे और इंद्र अपने सेवा कंटिन्यू करेंगे, है ना, थोड़ा टेक्निकल है। तो उनको ये साफ दे दिया कि तुम्हारा वंश इसी मूसल से नाश होगा। तो सब लोगों ने महाराजा उग्रसेन को बताया, महाराज उग्रसेन कहते हैं कि ऐसा करो, ये तो बड़ी समस्या हो गई है। और बाद में हुआ भी वही, वो सांबा को फिर बच्चा हुआ, वो मूसल, और मूसल लेके गए महाराज उग्रसेन के पास कि उसका क्या करें, ये तो नाश करेगा। तो उन्होंने कहा इसका ना पाउडर बना दो, बिल्कुल पीस दो, बिल्कुल महीन पाउडर बना के समुद्र में मिला दो, ठीक है। तो वो लोग उसको पाउडर बनाए और समुद्र में मिला दिए। तो छोटा सा कितना पाउडर बनाओगे, बीच में रह ही जाता है, तो जो छोटा सा रह गया था वो वहीं फेंक दिया। इसके बाद हुआ क्या कि वो जो पाउडर बना था वो बह बह के प्रभास क्षेत्र में साइड में आ गया, बीच पे,
और उससे एक अजीब तरह की घास बनी है ना, उसमें बड़े बड़े डंडे होते थे उस घास में, तो घास वहां पूरे में लगी रहती थी है ना। तो बाद में इसी घास से लड़ाई हुई, तो वो बाद में आता है वो कथा लड़ाई वाला। उसके बाद एक कथा आता है कि एक बार नारद जी आए तो वसुदेव ने नारद जी से कहा कि हम लोग तो कभी भक्ति कर ही नहीं पाए, कृष्ण को अपना बेटा मानते रहे, तो हमारा हमें भी आप बताएं कि भक्ति हमें कैसे करना चाहिए, भागवत धर्म क्या है। तो नारद जी ने उनको भागवत धर्म का उपदेश दिया, बोले जो भी आप करते हैं मन से वाणी से कर्म से, ये सब नारायण को, नारायणम इति समर्पयामि, नारायण को समर्पण करते हुए करना चाहिए। इस तरह से उनको काफी उपदेश दिया किस तरह से भक्ति होनी चाहिए। इसके बाद जो है, जो भरत महाराज की आपने कथा सुनी होगी, उस कथा में भरत महाराज के 9 पुत्र जो थे, ऋषभ देव के एक पुत्र थे भरत महाराज पहले, बाकी जो 9 थे वो बन गए थे ऋषि, बहुत बड़े भगवत भक्त नव योगेंद्र। क्या नाम हुआ उनका? नव योगेंद्र। और 9 लोग थे, साथ साथ रहते थे, इसलिए उनको साथ साथ बुलाते थे नव योगेंद्र। ठीक है, तो ये जो नव योगेंद्र थे, इन्होंने आके एक दिन इसकी कथा सुनाते हैं, है ना। नारद जी कहते हैं वसुदेव को कि मैं आपको कथा सुनाता हूँ, जो आपने प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न जो है महाराजा निमी ने ऐसे ही सिमिलर प्रश्न किससे किए थे, नव योगेंद्रों से किए थे, तो उन प्रश्नों के जो उत्तर नव योगेंद्रों ने दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये 9 लोग थे और 9 में एक एक प्रश्न का उत्तर जो है किसने दिया, एक एक लोगों ने दिया। तो पहला प्रश्न था कि भाई सबके लिए जो है कौन सा काम है जो सबको करना चाहिए, सबसे अच्छा काम क्या है, वही जो पहले वही प्रश्न आते बार बार, है ना, व्हाट इज द सुप्रीम गुड। तो उसमें बताया कवि जी ने इसका उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना ही जो है सर्वश्रेष्ठ काम है करने के लिए। तो जो श्लोक बताया उसमें ये भी बताया कि निमी महाराज ने पूछा आगे कि जो भक्त है उनका लक्षण क्या होता है, भक्ति का जब पहला प्रश्न है कि सबसे जरूरी काम क्या है, तो आंसर क्या बताया, वही आंसर भक्ति। भक्ति के विवरण में बताया कि भक्ति कब होगी, जब भक्तों का तो भक्तों का संग होगा, तो भक्तों का कैसे पहचान है। तो आगे बताया दूसरा प्रश्न का उत्तर, भक्तों का लक्षण क्या है, हवि ने इसका उत्तर दिया। इस तरीके से जो है 9 प्रश्न आए, 9वां प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।